एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 5 अगस्त के करेंट अफेयर्स। काफ़ी सारे न्यूज़ हैं क्योंकि हमें रामसर साइट्स के बारे में डिस्कशन करना है। भारत को 10 नई रामसर साइट मिल गई हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके पहले 5 रामसर साइट मिली थी, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आज़ादी का हम अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए, तो भारत का टारगेट जो है वो 75 वेटलैंड बनाने का है। तो यहाँ पे 10 वेटलैंड भारत को और मिल गई हैं। अब टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट भारत में 64 हो गई हैं। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे स्पोर्ट पर्सन न्यूज़ में हैं या जो भी पर्सनैलिटी न्यूज़ में हम उनको देखेंगे। स्टेट्स की न्यूज़ को देखेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर बनने को जा रहा है वो देखेंगे। और लास्ट में आपको बहुत सारे रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आंसर आपको करने हैं। फिर लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा कल मैंने एक सेशन अपलोड किया था पॉलिटी पर, जहाँ पे हमने इमरजेंसी डिस्कस की थी कि भारत में कितनी प्रकार की इमरजेंसी होती हैं, कब कब उन्हें लगाया गया है, इमरजेंसी के लिए रिजोल्यूशन कैसे पास किया जाता है, कितने महीने के अंदर रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, कितनी बार इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। और जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चन बनते होंगे कि कौन से राइट्स सस्पेंड होते हैं या कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी में, वो सारी बातें मैंने उस MCQ सेशन में कवर की हैं। नहीं देखा है तो आप उसे जाके पॉलिटी की MCQ सीरीज़ में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आने वाले समय में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलिटी में, वो हमारे अलग अलग कमीशन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, CBC, इन सारे टॉपिक्स पे हम MCQ एक एक करके डिस्कस करेंगे, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं 5 अगस्त के करेंट अफेयर्स। हाँ, PDF तो आपको रुचा मैम ने एक शॉर्ट बना के भेजा भी था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपका जो PDF है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पे PDF करेंट अफेयर्स का मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वेदांत थंगल वर्ड सेंचुरी एंड कुंडनकुलम वर्ड सेंचुरी विच वर डिक्लेयर रामसर साइट रिसेंटली आर लोकेटेड इन विच स्टेट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेदांकल पक्षी अभ्यारण और कुंडनकुलम पक्षी अभ्यारण, जिन्हें रिसेंटली रामसर साइट बनाया गया है, ये भारत के किस राज्य में है। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पर है ये दोनों? तमिलनाडु में है। तो देखिएगा यहाँ पर जो 10 रामसर साइट डिक्लेयर की गई हैं, उनमें से 6 जो है वो तमिलनाडु की रामसर साइट है। इसके अलावा 1 गोवा, 1 कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 10 रामसर साइट बनाई गई हैं। तो 6 तमिलनाडु की है, 1 गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और टोटल ये पूरे 10 रामसर साइट जो है वो टोटल कितना, 12,50,000 हेक्टेयर का एरिया जो है वो कवर करती हैं, ठीक है। तो भारत को 10 नई रामसर साइट मिल गई हैं, जिसके बाद भारत में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं, 64 हो गई हैं, 64 हो गई हैं। मैंने आप लोगों के लिए रामसर साइट पे जो है वो सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जो कि परचम Volume 2 पे अवेलेबल है। वहाँ पर मैंने सारे जो क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में कवर किए हैं और अभी तक जितनी भी रामसर साइट हमने समय समय पर ऐड की है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। चलो एक एक करके हम लिस्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कुंदनकुलम वर्ड सेंचुरी, जो कि हमने बता दिया है तमिलनाडु में है। इसके अलावा आप गल्फ़ ऑफ मन्नार, सभी लोगों को पता है गल्फ़ ऑफ मन्नार मरीन जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। फिर है वेम्बंदूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ये भी तमिलनाडु में है। बेलोड वर्ड सेंचुरी, ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। वेदांतंगल वर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। और उदया मर्थन आनंदपुरम वर्ड सेंचुरी, ये भी आपको तमिलनाडु में मिलेगी। तो इस तरीके से 6 तमिलनाडु की वेटलैंड है। इसके अलावा 1 आपको गोवा में मिलेगी, नंदा लेक कहाँ पे हो जाएगी, गोवा में हो जाएगी, ओके। फिर आपको मिलेगी सतकोशिया गॉर्ज, तो सतकोशिया लेक या सतकोशिया जो गॉर्ज है ये आपको कहाँ पर मिलेगी, सतकोशिया जो गॉर्ज है ये आपको उड़ीसा में वेटलैंड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आप बात करेंगे सिरपुर वेटलैंड, तो सिरपुर वेटलैंड आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पिछली बार जब मैंने डिस्कस किया था तो सांग सागर या सांख लेक के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसको सिपुरी लेक भी कहा जाता है, राइट। तो सिपुरी लेक को भी हमने अभी वेटलैंड बनाया था। तो अब सिरपुर वेटलैंड जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा आपको मिलेगा रनगंथूथू वर्ड सेंचुरी, नाम थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे, ये आपको कर्नाटका में मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल 10 वेटलैंड को रामसर साइट बनाया है, 64 अब टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स हो गए हैं, ठीक है। और वर्ल्ड जो वेटलैंड डे या आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो PMO किसे अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर ऑफ PMO, तो डायरेक्टर ऑफ PMO बनाया गया है श्वेता सिंह को, जो कि एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज या IFS ऑफिसर है 2008 बैच की। श्वेता सिंह, इन्हें डायरेक्टर बनाया गया है PMO का, और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद इनकी जो ज्वाइनिंग कराई जाएगी वो 3 साल के लिए कराई जाएगी। तो तीन साल के लिए जो श्वेता सिंह है वो PMO की डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुई है। इसके पहले जो नाम आया था वो अनिकेत गोविंद का आया था, लेकिन कैबिनेट ने उनको परमिशन ना देते हुए, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं PMO के, उनको डायरेक्टर बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन ACC के द्वारा वो अप्रूवल नहीं हुआ और श्वेता सिंह जी को डायरेक्टर बना दिया गया है PMO को। ठीक है, 3 साल के लिए बनाया गया है। अब काफ़ी सारे पर्सन जो हैं वो न्यूज़ में हैं, एक एक करके हम उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जस्टिस UU ललित के बारे में, जस्टिस उदय उमेश ललित। तो देखिएगा, आपको पता होता है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं या फिर CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनका चुनाव हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, अगर आप आर्टिकल 124 वगैरह देखते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे देश में एक व्यवस्था की गई है जिसको हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं, और खुद जो हमारे CJI होते हैं वो अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करते हैं कि हम रिटायर होने वाले और हमारे बाद अब भारत का CJI कौन रहेगा। तो अभी भारत की जो 48 नंबर के CJI हैं वो कौन है, NB रमन्ना है, और इनका टेन्योर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने पर है। तो CJI NB रमन्ना ने रिकमेंड किया है जस्टिस उदय उमेश ललित का नाम, और जस्टिस उदय उमेश ललित जो है वो आने वाले समय में हो सकता है कि भारत के 49th नंबर के CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। CJI रमन्ना जो है वो 26 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे, और ये 48 नंबर के CJI है कंट्री के, 2021 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो इन्होंने अपना सक्सेसर UU ललित, मतलब जस्टिस उदय उमेश ललित को चुना है। जस्टिस उदय उमेश ललित जो हैं वो सीनियर मोस्ट एडवोकेट या सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हैं। इन्होंने 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम संभाला था, और कई सारे इनके नाम अचीवमेंट भी हैं, जो हमारा ट्रिपल तलाक आया था उसके वर्डिक्ट में भी ये शामिल थे। ठीक है, तो 2014 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करना शुरू किया था। अगर कैबिनेट अप्रूवल दे देती है तो यहाँ पर, क्योंकि CJI ने तो प्रपोजल भेज दिया है, अब सेंटर इसे एक्सेप्ट करेगी, और एक्सेप्ट करेगी ही, वो तो चली आ रही है प्रथा। तो ये हमारे 49th नंबर के CJI बन जाएंगे, और इनका जो पीरियड रहेगा ना, अगर CJI बनते हैं तो केवल और केवल 3 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि आपको पता है इनकी रिटायरमेंट की एज होती है, और कितनी होती है रिटायरमेंट की एज वो आप हमको कमेंट में बताएंगे कि CJI की रिटायरमेंट एज कितनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की जूडो खिलाड़ी जिनका नाम है तुलिका मान। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, 78 kg कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंगम में हो रहे हैं, उसमें तुलिका मान ने जूडो में सिल्वर मेडल जीता है, और ये हमारा 3rd मेडल हो गया है जूडो में। तो किस कैटेगरी में, 78 kg कैटेगरी में इन्होंने जीता है। इसके अलावा कुछ और नाम है जो आपको याद रखने हैं, तो गुरदीप सिंह जो है वो पंजाब से हैं। इन्होंने 109 kg कैटेगरी में भारत को वेट लिफ्टिंग में ब्रोंज मेडल लाकर दिया है। तो आपको याद रखना है कि गुरदीप सिंह का रिलेशन वेट लिफ्टिंग से है, और इन्होंने 109 kg कैटेगरी में भारत को कॉमनवेल्थ गेम में ब्रोंज मेडल ला के दिया है। और एक और नाम आपको याद रखना है, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी में भी फंसे हुए थे ये कुछ समय पहले, इनका नाम है तेजस्विन शंकर। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, और ये भारत के पहले एथलीट बन गए हैं जिन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत को मेडल लाकर दिया है। इंडिया फर्स्ट मेडल इन एथलेटिक्स, तो एथलीट्स में पहला मेडल मिल चुका है हमको, और किसमें मिला है, हाई जंप में मिला है। किसने जीता है, तेजस्विन शंकर ने जीता है। ठीक है, चलो अगला नाम हम देख लेते हैं, सौरभ घोषाल। आने वाले एग्जाम में ये नाम आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सौरभ घोषाल, और ये पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं जिन्हें इंडिविजुअल कैटेगरी में स्कॉस में जो है कॉमनवेल्थ गेम में मेडल हासिल हुआ है। इन्होंने हिस्ट्री बना दी है, और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने, ब्रोंज मेडल जीता है सौरभ घोषाल ने मेंस कैटेगरी में। और इन्होंने 2018 गोल्ड कोस्ट चैंपियन जो स्कॉस में थे मेडलिस्ट जेम्स विलस्ट्रॉप को हराया है, और ब्रोंज मेडल जीता है। इसके अलावा 2006 में ये पहले इंडियन बने थे जिन्होंने एशियन गेम्स में स्कॉस में मेडल जीता था। फिर 2013 में फर्स्ट इंडियन बने थे जो कि वर्ल्ड स्कॉस चैंपियनशिप जो कि मैनचेस्टर इंग्लैंड में हो रही थी, उसके क्वार्टर फाइनल में पहुँचे थे। इसके अलावा 2004 में
फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 19 स्क्वाश टाइटल जीता था, और 2022 में पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में स्क्वाश में भारत को मेडल लाके दिया है, और ये मेडल कौन सा है, ब्रोंज मेडल है, और कोलकाता से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर्सन अगर हम देखते हैं तो लवप्रीत सिंह ये भी वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है, और इन्होंने भी 109 केजी कैटेगरी में भारत को ब्रोंज मेडल लाके दिया है। ठीक है, तो लवप्रीत सिंह ब्रोंज मेडल 109 केजी कैटेगरी, वेट लिफ्ट टोटल वेट इन्होंने 355 केजी को लिफ्ट किया था। इसके अलावा 2021 में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। साथ ही साथ ये इंडियन नेवी के साथ एसोसिएटेड है, इंडियन नेवी के लिए काम करते हैं। इन 2017 ही वॉन ब्रोंज एट एशियन यूथ चैंपियनशिप एंड गोल्ड एट जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप इन 105 केजी कैटेगरी। ठीक है, तो लवप्रीत सिंह का नाम आपको याद रखना है, ये वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है 109 केजी कैटेगरी में। ठीक है, तो दो आपको मेडल मैंने बताए, दोनों के दोनों वेट लिफ्टिंग के जो मेडल थे वो 109 केजी कैटेगरी के ही थे। एक हमने यहाँ पे स्क्वॉश का देखा, एक जूडो का देखा। तो इस तरीके से हमने कुछ मेडल कॉमनवेल्थ के डिस्कस कर लिए हैं। एक एथलीट में देखा, जो पहला मेडल था हमको वो देख लिया। अब एक बार लिस्ट देख लेते हैं, जो कि आपको पता है, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ते रहना जब पूरे ख़त्म हो जाए। जब मैं इसको बना रही थी करेंट अफेयर्स, क्योंकि आपको पता है ना, लाइव नहीं होता है, रात को ही मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मॉर्निंग में अपलोड होता है। तो जब मैं इसको तैयार कर रही थी तब तक भारत को 18 जो है वो मेडल मिल चुके थे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया आगे चल रहा है फिलहाल, तो अब देखते हैं आने वाले समय में और कितने मेडल मिलते हैं। तो एक साथ हम कंप्लीट वीडियो बाद में डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल आप इस लिस्ट को देख लीजिए। लवप्रीत सिंह ब्रोंज मेडल 109 केजी अभी हमने देखा था। फिर मेन सिंगल में पहला स्क्वॉश इंडिविजुअल मेडल ब्रोंज सौरभ घोषाल हो गया। तुलिका मान जूडो में देखा आपने, गुरदीप सिंह वेटलिफ्टिंग में। फिर है तेजस्विन शंकर, पहला एथलीट में मेडल मिला है हमको हाई जंप में ब्रोंज मेडल। फिर आपने बैडमिंटन टीम देखा, मिक्स बैडमिंटन टीम सिल्वर जीता था। टेबल टेनिस जो टीम थी उसने गोल्ड मेडल जीता था। विकास ठाकुर, इन्होंने 96 केजी में सिल्वर मेडल जीत लिया है। फिर लॉन बॉल में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा संकेत सरकार, आपको ये नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ में पहला मेडल दिलवाया है ना, जब जैसे ही 2022 के कॉमनवेल्थ शुरू हुए तो पहला मेडल इनके द्वारा मिला था। मीराबाई चानू के द्वारा पहला गोल्ड जीता गया था। फिर है गुरुजा पुजारी, इन्होंने ब्रोंज मेडल 61 केजी में वेट लिफ्टिंग में जीता है। विद्या रानी देवी, इन्होंने भी 55 केजी में सिल्वर जीता था। जेरेमी, इन्होंने 67 केजी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता था। फिर है अचिता श्योली, इन्होंने गोल्ड जीता 73 केजी में। सुशीला देवी 48 केजी जूडो। फिर विजय कुमार यादव, ये भी जूडो से है। और हरजिंदर कौर, ये 71 केजी वेट लिफ्टिंग ब्रोंज। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है, धीरे धीरे आप फैमिलियर हो जाएंगे नाम के साथ, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 44th चेस ओलंपियाड। आपको पता ही है कि चेन्नई में 44वें नंबर के चेस ओलंपियाड चल रहे हैं। इसमें एक नाम निकल के सामने आता है और वो नाम है तानिया सचदेव। तानिया सचदेव जी के बारे में हम बात करते हैं। तो तानिया सचदेव ने रजिस्टर कर ली है जीत 2.5 to 1.5 विन फॉर इंडिया और अगेंस्ट हंगरी। तो इन्होंने ये जो वुमेन्स सेक्शन में 44th चेस ओलंपियाड जो कि चेन्नई में हो रहे हैं उसमें इन्होंने जीत हासिल की है। तो आपको याद रखना है कि तानिया सचदेव का जो रिलेशन है वो चेस से है और एक चेस खिलाड़ी हैं, और ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही फेमस चेस खिलाड़ी हैं। इनके पास फिडे टाइटल ऑफ इंटरनेशनल मास्टर एंड वीमेन ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी है। इन्होंने दो बार इंडियन वीमेन चेस चैंपियनशिप को 2006 और 2007 में जीता है। एक बार एशियन वीमेन चेस चैंपियनशिप 2007 में जीता है और तीन बार कॉमनवेल्थ वीमेन चेस चैंपियनशिप 2016, 2018 और 2019 में जीता है। तो बहुत ही जानी मानी एक चेस प्लेयर है, और इन्होंने अभी वीमेन्स टीम को भी आगे किया है 44th चेस ओलंपियाड में, तानिया सचदेव। नेक्स्ट बात करते हैं मनीषा रुपेता। तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ में काउंट होगी लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। मनीषा रुपेता जो है वो पहली DSP, हिंदू DSP बन गई है पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान फर्स्ट हिंदू वीमेन DSP कौन बन गई है, मनीषा रुपेता बन गई है, जो कि सिंध रीजन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर मनीषा, जो कि DSP बनी है और पहली हिंदू हैं पाकिस्तान से जो कि DSP बनी है। और दो और नाम आपको याद रखने, एक तो सुमन कुमारी, जो कि हमने पहले भी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। सुमन कुमारी जो है वो पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज है, फर्स्ट वीमेन हिंदू जज फ्रॉम द पाकिस्तान, सुमन कुमारी। और इसके अलावा कृष्णा कुमारी जो कि सिंध रीजन से ही बिलोंग करती हैं और ये पाकिस्तान की पहली हिंदू दलित वीमेन सीनेट में शामिल होने वाली महिला हैं। ठीक है, तो इन तीनों लोगों के नाम आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जॉनी फेमचॉन पास अवे एट 77। तो क्वेश्चन बनेगा कि जॉनी फेमचॉन जिनका रिसेंटली निधन हो गया वो किस फील्ड से थे, तो आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से थे, और किस देश से बिलोंग करते थे, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। बस इतनी ही दो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पर्सन थे जो न्यूज़ में थे किसी भी रीज़न से, वो हमने देख लिए हैं। आइए अब कुछ और बातें करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक और डेटा पब्लिश किया गया है, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट डेटा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द नंबर ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया एज रिकॉग्नाइज बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज़ क्रॉस्ड अ लैंडमार्क माइलस्टोन ऑफ। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा एक डेटा को पब्लिश किया गया, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप हो गए हैं। तो अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमने एक माइलस्टोन अचीव भी कर लिया 75,000 का, ठीक है ना। तो याद रखना आसान है, तो 75,000 भारत में स्टार्टअप हो गए हैं जो DPIIT की रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसके अकॉर्डिंग। आइए बात कर लेते हैं किस सेक्टर में कितने स्टार्टअप हैं। तो इंडिया ने ये लैंडमार्क माइलस्टोन रिसीव किया है और भारत के पास जो है 75,000 स्टार्टअप हो गए हैं कंट्री में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 12% स्टार्टअप जो है वो आईटी सर्विसेज से हैं, 9% हेल्थ केयर से हैं, 7% एजुकेशन से हैं, 5% जो है प्रोफेशनल्स एंड कमर्शियल सर्विसेज से हैं, 5% एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप है। 49 जो स्टार्टअप है, 49% स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री कैटेगरी में, टीयर टू और टीयर थ्री जो हमारे सिटीज़ हैं वहाँ पर हैं, ठीक है। ये विज़न प्राइम मिनिस्टर मोदी का था, तब इन्होंने अपनी स्पीच में एक बार 2015 में 15 अगस्त की स्पीच में ये बात मेंशन की थी कि हम चाहते हैं कि आज़ादी का जब अमृत महोत्सव हम मनाएं तो हमारे पास इतने स्टार्टअप हो। और स्टार्टअप प्रोग्राम की शुरुआत 2016 में की गई थी। द प्रोग्राम टू ले आउट एन एक्शन प्लान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर द नरिशिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री वॉज लेड ऑन द January 16, 2016। और भारत जो है वो थर्ड नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सॉरी इकोसिस्टम है फॉर स्टार्टअप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट लॉन्च चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट चिराग स्कीम। तो पहली बात तो चिराग का फुल फॉर्म ऐसा के ऐसा ही एग्जाम में बन सकता है। तो चिराग स्कीम का फुल फॉर्म क्या हो गया, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि चिराग स्कीम को किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हरियाणा। या क्वेश्चन बन सकता है कि चिराग स्कीम जो है वो किस सेक्टर की स्कीम है, तो एजुकेशन सेक्टर की है। या क्वेश्चन बन सकता है कि चिराग स्कीम जो लॉन्च की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा वो किस सेक्शन के लिए है, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए इस स्कीम को एजुकेशन सेक्टर पर्पज़ के लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गया कितने तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आइए अब इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो अंडर द स्कीम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू EWS स्टूडेंट्स। तो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा चिराग स्कीम के अंतर्गत। और चिराग स्कीम का फुल फॉर्म आपने देखा, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट है। बेसिकली 2007 में उस समय जो गवर्नमेंट हुआ करती थी भूपेंद्र सिंह जी की, उनके द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई थी उसका ही रिप्लेसमेंट एक तरीके से है आप कह सकते हैं। बेसिकली 2 से लेकर 12वीं कक्षा तक जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं और उनकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 1.8 लाख, मतलब 1.8 लाख से कम है, तो उन बच्चों को यहाँ पर जो है वो असेसमेंट दिया जाएगा या फिर पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बोला भी गया है कि 700 रुपये पर स्टूडेंट क्लास 2 to 5 दिया जाएगा, 900 रुपये पर स्टूडेंट 6 to 8 और 1100 पर स्टूडेंट क्लास 9 to 12 दिया जाएगा अंडर द चिराग स्कीम। तो हरियाणा गवर्नमेंट की ये स्कीम है। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम बात करते हैं यहाँ पर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो 2022-23 तक जो है वो ऑपरेशन में आ जाएगा और ये नर्मदा रिवर पर तैयार किया जा रहा है खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट टू कम अप इन ओमकारेश्वर डैम जो कि 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ तैयार हो रहा है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट की कैपेसिटी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पे इसको तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन और कमेंट आना शुरू होंगे कि हमें तो पता है कि सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना का है। बिल्कुल सही बात है, अगर अभी ऑपरेशन के हिसाब से बात की जाए कि अभी जो ऑपरेशनल पावर प्लांट्स है हमारे फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो उसमें तेलंगाना का जो पावर प्रोजेक्ट है ऑपरेशन में है और वो सबसे बड़ा है, क्योंकि अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो इसकी तैयारी हो रही है। जब ये ऑपरेशन में आ जाएगा तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट हो जाएगा 600 मेगावाट कैपेसिटी के साथ।
ठीक है. सो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट या प्लांट तो कंस्ट्रक्टेड इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में इसको तैयार किया जा रहा है जिससे पावर जनरेशन की कैपेसिटी को बूस्ट किया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके. ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में बिल्ड हो रहा है और इसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट पावर की होगी. 2022-23 तक इसको तैयार करने का लक्ष्य है. साथ ही साथ 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ इसको बनाया जा रहा है. खंडवा डिस्ट्रिक्ट जो है वो केवल एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का जिसमें थर्मल पावर स्टेशन, इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट, मतलब तीनों फैसिलिटी अवेलेबल है. ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये नर्मदा रिवर पे ओमकारेश्वर डैम पे सेटअप किया जा रहा है. ठीक है. इसके अलावा इंडिया का अगर हम लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ऑपरेशनल है वो कहाँ पर है, वो है रामगुंडम में फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि तेलंगाना में है. 1 जुलाई 2022 से ये फुली ऑपरेशनल है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं. ओडिशा हैज साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अपकमिंग मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022. तो ओडिशा ने मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 के लिए किस संगठन के साथ MOU साइन किया है. सो आंसर हो जाएगा फिक्की. किसके साथ किया है? फिक्की के साथ किया है. तो ओडिशा गवर्नमेंट और फिक्की ने MOU साइन किया है और इसके लिए मेक इन ओडिशा प्रोजेक्ट या कॉन्क्लेव बनाया जाएगा या एक सेमिनार होगा जो कि 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में होगा. इसका काम यही है कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना कि अलग अलग कंपनी उड़ीसा में आए, इन्वेस्ट करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना. तो इन सारे उद्देश्य से इस कॉन्क्लेव को तैयार किया गया है. उड़ीसा गवर्नमेंट और फिक्की के बीच में MOU साइन हुआ है. पहली बार यहाँ पर मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव नहीं हो रहा है, ये थर्ड नंबर का एडिशन है. थर्ड एडिशन है. पहली बार जो है 2016 में पहला एडिशन हुआ था और उस समय 2,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में आया था और ये तीसरे नंबर का एडिशन है. ठीक है. अगर हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में तो भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक जो चीफ मिनिस्टर है, गणेशी लाल गवर्नर है. फिक्की के बारे में बात करते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में फॉर्मेशन हुआ था, नई दिल्ली में हेड ऑफिस है. फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुरदास और अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप चिनॉय हैं और डायरेक्टर जनरल अरुण चावला जी हैं. नेक्स्ट बात कर लेते हैं युद्ध अभ्यास. आप लोग ने मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी गई एक्सरसाइज है. और युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और USA के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. चलो आइए इसके बारे में बात करते हैं. इंडिया एंड USA टू होल्ड मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इन उत्तराखंड. कहाँ पर होगी? उत्तराखंड में होगी अक्टूबर में, 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में इंडिया और USA के बीच में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज को उत्तराखंड में कंडक्ट कराया जाएगा और ये 18th नंबर का एडिशन होगा. किस नंबर का एडिशन है? 18वें नंबर का एडिशन है जो कि उत्तराखंड में हो रहा है. जिसके लिए जो एम तो सभी को पता है कि अंडरस्टैंडिंग बने दोनों आर्मी इसके बीच में, इसलिए सारी ड्रिल कराई जाती हैं. 17th नंबर का जो एडिशन था वो अमेरिका मतलब USA के अलास्का में हुआ था. ठीक है. तो USA हैज़ डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016 में USA के द्वारा इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर किया गया था और इंडिया और USA के बीच में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट 2020 में साइन किया गया था. ठीक है. तो ये 18वां एडिशन है, होगा युद्ध अभ्यास का अक्टूबर में उत्तराखंड में USA और इंडियन आर्मी के बीच में. नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया टू होस्ट स्पेशल मीटिंग ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी इन अक्टूबर 2022. अब भारत जो है वो होस्ट करने जा रहा है UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग 2022 में अक्टूबर में. 29 अक्टूबर को ये मीटिंग कराई जाएगी. ठीक है. इंडिया इसे होस्ट करेगा. अगर बात करते हैं इसकी थीम क्या है तो थीम रखी गई है माइंडफुल ऑफ इंक्रीजिंग थ्रेट पोस्ड बाय द मिसयूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. क्योंकि यहाँ पे जो मुद्दे डिस्कशन होंगे उनमें से एक मुद्दा साइबर सिक्योरिटी भी होगा, मरीन सिक्योरिटी भी होगा. तो इसलिए बेसिकली सिक्योरिटी और टेररिज्म के ऊपर ही यहाँ पर चर्चा करने के लिए ये पूरी टॉक हो रही है. और इसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया इसे होस्ट करने वाला है. इस मीटिंग में जो है वो 15 नेशंस के डिप्लोमेट्स यहाँ पे शामिल होंगे क्योंकि हमें पता है यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 नेशन है जिनमें से 10 टेम्प्ररी मेम्बर्स होते हैं और 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेम्बर होते हैं. परमानेंट मेम्बर कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, US और UK हैं. इसके अलावा यहाँ पे 10 और जो मेंबर शामिल होंगे उनके डिप्लोमेट शामिल होंगे वो अल्बानिया है, ब्राज़ील, गबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे एंड UAE. ठीक है. दो दो साल के लिए ये टेम्प्ररी बेसिस पे चुने जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं IDF
वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने कहा है कि वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का होस्ट कौन करेगा, नई दिल्ली करेगा। नई दिल्ली में होगा मतलब भारत में होगा इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का वर्ल्ड डेयरी समिट। सेप्टेम्बर 12 से 15 के बीच में 2022 में होगा, जिसकी थीम रखी गई है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड। बेसिकली 4 दिन का ये समिट होगा और COVID-19 के कारण पिछली बार ये समिट ऐसा मतलब फिजिकली हो नहीं पाया था, लेकिन इस बार ये फिजिकली समिट हो पाएगा। यहाँ पर एनिमल का जो मिल्क है उसकी प्रोडक्टिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस समिट हो रहा है कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी और हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो 1974 में भारत ने जो है वो इस समिट को होस्ट किया था, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मतलब IDF वर्ल्ड डेयरी समिट को 1974 में होस्ट किया गया था और अब नई दिल्ली में इसे होस्ट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इट मस्ट बी नोटेड दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, IDF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेल्जियम में है। नेक्स्ट है, विच स्टेट आर यूटी हैज़ इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑफ वीमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड मिल्क एंड एग्स टू चिल्ड्रन एट ऑल आंगनवाड़ी इन द स्टेट। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है वीमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो जितने भी आंगनवाड़ी हैं स्टेट में उनके बच्चों को, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मिल्क और एग्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा केरला, क्योंकि जो एग और मिल्क होते हैं उसमें न्यूट्रिशन होते हैं और भारत का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन के, उनको अचीव करने में ये मदद करेगा, इसलिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत की गई है, जिसके लिए 61.5 करोड़ रुपये का बजट भी दिया गया। जितनी भी आंगनवाड़ी हैं उनमें सभी बच्चों को मिल्क और एग्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 125 ml ऑफ मिल्क 2 days इन अ वीक प्रोवाइड किया जाएगा और हर हफ्ते में 2 बार अंडे प्रोवाइड किए जाएंगे, और बजट आपने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, टाटा स्टील टू इन्वेस्ट 3000 करोड़ इन डेवलपिंग सिटिंग सिस्टम फॉर न्यू वंदे भारत ट्रेन। अच्छा, वंदे भारत जो ट्रेन है उनको हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं और ये सेकेंड फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की, सबसे तेज सेकेंड नंबर पे चलने वाली ट्रेन है भारत की, 130 किलोमीटर पर आर इनकी स्पीड है। तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं उनके जो कोचेज होंगे ना, उन कोच में सीट लगाई जाएंगी, तो उस सीट के लिए जो एग्रीमेंट साइन किया है वो टाटा स्टील ने किया है और ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट करने वाली है वो 3000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ठीक है, तो टाटा ग्रुप इज़ प्लानिंग टू स्पेंड 3000 करोड़ ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय द फाइनेंशियल ईयर 26 एंड इज सेट टू रोल आउट द फर्स्ट इन इंडिया सिटिंग सिस्टम फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम सेप्टेम्बर 2022। और स्टील से ये पूरा तैयार किया जाएगा और लगभग 145 करोड़ जो सीट्स हैं उनका ऑर्डर यहाँ पे 22 ट्रेन के लिए लिया गया है और हर एक ट्रेन में 16 कोचेज हैं। ठीक है, तो उनमें ये पूरे 180 डिग्री से रोटेट होने वाले स्टील से डिज़ाइन किए, जैसे कि एयरक्राफ्ट्स में पैसेंजर्स के लिए एमिनिटीज़ होती है, उस एमिनिटीज़ के साथ इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को डिज़ाइन किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन टीम ऑफ लॉन बॉल बीट विच कंट्री इन द वीमेंस 4 इवेंट टू विन गोल्ड मेडल। तो पहली बार लॉन बॉल में भारत की वीमेंस टीम ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, किस देश को हराकर, किस देश की टीम को हराकर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच कंपनी हैज इमर्ज एज अ टॉप बिडर एट द इंडिया फर्स्ट एवर 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुए हैं और सबसे ज्यादा बिड किसने की है, रिलायंस जियो, ऑप्शन सी। इंडियन वेट लिफ्टर विकास ठाकुर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, किस कैटेगरी में। तो आंसर हो जाएगा 96 kg कैटेगरी में विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियन बैडमिंटन मिक्स टीम लॉस्ट टू विच कंट्री टू सेटल फॉर सिल्वर मेडल। तो इंडिया की बैडमिंटन जो मिक्स टीम थी वो किस कंट्री से हारकर सिल्वर मेडल हासिल की है, आंसर हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत के नए CVC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है, सुरेश एन पटेल जी को अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन सी। नैन्सी पेलोसी कौन है, जिन्होंने रिसेंटली ताइवान का दौरा किया था, चाइना ने इस बात की वार्निंग भी दी थी कि ताइवान पे विजिट पे मत आओ, लेकिन तो भी यहाँ पे USA के द्वारा इन्हें भेजा गया और उसके बाद आपने देखा कि ताइवान के चारों तरफ जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह चाइना ने शुरू कर दी है। तो US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, यूएसए ने कंफर्म किया है कि उन्होंने आयमान अल जावेरी को रिसेंटली जो सर्जिकल स्ट्राइक या फिर ड्रोन स्ट्राइक किया था उसमें मार दिया है, और इनका रिलेशन 9/11 के अटैक से था। तो किस टेररिस्ट ग्रुप से ये बिलोंग करते थे? आंसर हो जाएगा अलकायदा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया की टेबल टेनिस मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है किस कंट्री को हराकर? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नॉइस हैज रोप्ड इन होम एक्टर एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स अपकमिंग एक्स फिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच। तो किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वानी कपूर को बनाया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा किस स्टेट की पुलिस को दिया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया की तरफ से यंगेस्ट एथलीट कौन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? Who has become India's youngest athlete to participate at the ongoing 2022 Commonwealth Games in Birmingham? तो आप उनका नाम तो बताइएगा, साथ ही साथ वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है वो भी आप बताइएगा। अगर आप लोगों ने मेरा कॉमनवेल्थ गेम पे जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था आपके वॉल्यूम 2 एप्लीकेशन पे, अगर आपने वो देखा होगा तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कर देंगे। नहीं देखा है तो आप उसको अभी भी देख सकते हैं, या फिर गूगल से आप सर्च करके इसका आंसर बताएंगे कि सबसे यंगेस्ट एथलीट कौन बन गई है जो कि कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट कर रही है भारत की तरफ से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्योंकि आज सेशन बड़ा ना हो जाए इसलिए कुछ बातों को मैंने शामिल नहीं किया है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, और क्या अमेंडमेंट हुए हैं वो भी हम चर्चा करेंगे, बट नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।